हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे देखिए कि कोरोना की न्यू केसेस फिर से बढ़ती जा रही है। यहाँ पे इंडिया की केसेस देखिए, कोरोना वायरस इंडिया लाइव अपडेट। भारत में कोविड-19 के 39,361 नए मामले सामने आए हैं। आज का ही न्यूज़ है ये। और आज जो है 26 जुलाई है, 26 जुलाई को एक दिन में 39,000 केसेस मिले हुए हैं इंडिया में एक दिन में, और 416 लोगों की मौत हुई है। तो आगे देखते हैं और कैसे कैसा है। तो यहाँ पे देखिए कि कोविड-19 इंडिया अपडेट। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 39,361 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमित की संख्या बढ़ करके 3,14,11,262 हो गई है। वही 35 दिन बाद नमूनों की संक्रमित आने की दैनिक दर 3% से अधिक दर्ज की गई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जुलाई 26, 2021 टाइमिंग है शाम 4 बजे की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोरोना जो है एक दिन में बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, हजारों से करोड़ों में आ गई है ये संख्या जो है। तो यहाँ पे देखते हैं कि नई दिल्ली, भारत में एक दिन में कोविड-19 के 39,361 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमित की संख्या 3,14,11,362 हो गई है। वही 35 दिन बाद नमूनों की संक्रमित आने की दैनिक दर 1% से अधिक दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे जारी किए गए अग्रिम आंकड़ों के अनुसार देश में 416 लोगों की मौत संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,20,967 हो गई है। तो यहाँ आज ही का ये न्यूज़ है, 416 से बढ़कर के 4 लाख में पहुँच गई है डेथ जो संख्या है, और न्यू केसेस जो है 39,000 से 3 करोड़ में पहुँच चुकी है। तो आप अभी भी संभल जाइए, क्योंकि अभी केस जो है थर्ड वेव आ चुका है और ये बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। उपचाराधीन मरीज की संख्या बढ़कर 4,11,189 हो गई है, जो कुल मामलों का 1.31% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कुल 2,977 बढ़ोतरी हुई है। यानी कि यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत कम हो पा रहे हैं, ठीक बहुत कम हो पा रहे हैं, और केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे और सेफ रहे। तो यहाँ पे देखिए, कोविड-19 वैक्सीनेशन देश में अभी तक दी गई टीकों की कुल 43.51 करोड़ खुराक हुए हैं। अभी तक के देश में 43.51 खुराक अभी टीके लगे हुए हैं, बाकी के जो जनता है उनको टीके नहीं लगे हुए हैं। कोविड-19 दवाओं के जमाखोरी, न्यायालय का गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार। उच्च न्यायालय ने सोमवार को भाजपा सांसद गौतम गंभीर की फाउंडेशन के खिलाफ कोविड-19 दवाओं के अवैध खरीदी व वितरण से जुड़े एक मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, कोविड-19 से रिलेटेड केसेस भी चल रहे हैं। कोविड-19 के जो वैक्सीनेशन है उससे रिलेटेड यहाँ पे उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज की गई है। तो यहाँ पे देखिए कि इंडिया के जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कोविड-19 के 4 नए मामले आए हैं, और ये बढ़ करके यहाँ पे देखिए 7,529 केस हो गए हैं 24 घंटे में ही, आप देख रहे हैं। और मृतक की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 129 हो गई है, और संख्या बढ़ के 7,385 भी हो रही है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कोविड-19 के 348 नए मामले, 8 और लोगों की मौत। तो यहाँ पे देखिए, ये भी केस बढ़ करके 24 आवर में 348 नए मामले सामने आने के बाद जिले में संक्रमण के मामले बढ़कर 5,42,935 हो गए हैं। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि ये नए मामले रविवार को सामने आए। ठीक है, तो ये रविवार से स्टार्ट हो गए हैं अभी कोरोना के जो केसेस हैं वो। आज मंडे है, तो आप सेफ रहिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। दिल्ली मेट्रो का संपूर्ण क्षमता के साथ परिचालन शुरू। तो यहाँ पे दिल्ली मेट्रो में भी ये देखा गया है, ये कोविड केसेस, और इसको नियंत्रण करने का कोशिश किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, कोविड को हल्के में ना लें, क्योंकि ये थर्ड वेव जो है बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। एक दिन में 39,000 से 3 करोड़ लोग यहाँ पे संक्रमित हो चुके हैं, और जो है केसेस, जो डेथ कंडीशन है 416 से बढ़ करके वो भी लाखों में चले गए हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी हल्का ना लीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। और जो अभी स्कूल खुले हुए हैं, कुछ कुछ राज्यों में खुलने वाले हैं, वो फिर से बंद होंगे। स्कूल कॉलेज जिनका एग्ज़ाम ऑफलाइन होना है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट कराएंगे अभी। तो आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे, एग्ज़ाम तो कभी भी हो सकती है, कभी भी आप पास आउट हो सकते हैं, बट एक बार लाइफ गई तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, और सबको गाइडलाइन का पालन करना भी सिखाएं, छोटे बड़ों, भाई बहनों, दादी नानी दीदी,
सबको गाइडलाइन बताएं कोरोना का क्या है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, एजुकेट करें कोरोना से रिलेटेड अगर आप एजुकेटेड पर्सन है तो, और जल्दी से इस थर्ड वेव को भी हमारे इंडिया में ख़त्म करने का आप सभी प्रयास करें। तो इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए।